इकाई 10 भक्त संतों का भारतीय समाज एवं संस्कृति में योगदान। इकाई की रूपरेखा 10.0 उद्देश्य, 10.1 प्रस्तावना, 10.2 दक्षिण भारत के संत, 10.2.1 नयनार और अलवार संत, 10.2.2 शंकराचार्य, 10.2.3 रामानुज, 10.2.4 निम्बार्क, 10.2.5 माध्वाचार्य, 10.3 उत्तर भारत के संत, 10.3.1 रामानंद, 10.3.2 वल्लभाचार्य, 10.3.3 चैतन्य, 10.3.4 नामदेव, 10.3.5 रैदास, 10.3.6 कबीर, 10.3.7 नानक, 10.3.8 दादू, 10.3.9 मीरा, 10.3.10 तुलसीदास, 10.3.11 तुकाराम, 10.4 निष्कर्ष, 10.4.1 नव सामाजिक संरचना के निर्माण का प्रयास, 10.4.2 मानव यात्रा की एकता पर बल, 10.4.3 मानवतावादी विचारों का पोषण, 10.4.4 सात्विक आचरण पर बल, 10.4.5 लोक भाषा का विकास एवं विस्तार, 10.5 सारांश, 10.6 संदर्भ ग्रंथ। पृष्ठ 139। 10.1 प्रस्तावना। मध्ययुगीन भारत में भक्त संतों की वाणी ने जिस सांस्कृतिक नवोत्थान की धारा प्रवाहित की, वो आज भी भारत में भक्ति गीतों के स्वरों में बह रही है। इस युग में प्रवाहित भक्ति की धारा भारतीय जनता की प्राणदायिनी शक्ति बनकर प्रकट हुई। यदि ये सब कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि भक्त संतों की वाणी मध्ययुगीन संस्कृति की अंतः चेतना का पर्याय बनी। मध्ययुगीन भारतीय संस्कृति को उज्जीवित करके उसे जनजीवन की निष्ठाओं के अनुरूप अग्रसर करने में तत्कालीन भक्ति आंदोलन का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। निसंदेह भक्ति संतों के भावनात्मक एवं वैचारिक दिग्विजय का अपना ऐतिहासिक महत्व है। भारत में भक्ति का अंकुर आदि ऐतिहासिक है। महाभारत एवं गीता में प्राप्त भक्ति विषयक रूप उपनिषदों की भक्ति से मेल खाता है। विद्वान लेखक रति भानु सिंह का कहना है कि भक्ति भावना के उदय में विशिष्ट भूमिका निभाई। भगवत धर्म में मूर्ति पूजा, मंदिर निर्माण, अवतारवाद आदि नए तत्वों के समाविष्ट होने के कारण भक्ति का नया स्वरूप उभर कर सामने आया। दक्षिण के आलवार संतों ने वेद, उपनिषद, गीता आदि से विचारों को ग्रहण कर उसमें युग अनुकूल तत्वों का समावेश कर भक्ति को लोकधर्म का रूप दे दिया। 10.2 दक्षिण भारत के संत। 10.2.1 नयनार और आलवार संत। दक्षिण भारत के तमिल प्रदेश में जन्मे आलवार नाम के प्रसिद्ध वैष्णव संतों में से अधिकांश की उत्पत्ति निम्न जातीय थी। ये अत्यंत साधारण तौर तरीकों से जीवन यापन करते थे। इनमें ईश्वर के प्रति अटूट प्रेम एवं भक्ति थी। ये संत जात पात एवं ऊंच नीच के भेदभाव के घोर विरोधी थे। वे सबके लिए भक्ति द्वारा मोक्ष करने का उपदेश देते थे। वे भगवान विष्णु के प्रति निष्काम प्रेम द्वारा शरणागति पर विशेष जोर देते थे। इनके विचारों और भावों में भक्ति एवं विनम्रता का अपूर्व संगम देखने को मिलता है। मेरा जन्म द्विजन कुल में नहीं हुआ, ना मैं चारों वेदों का ज्ञाता हूँ। इस कारण है भगवान, मुझे तुम्हारे प्रकाश में चरणों के अतिरिक्त अन्य किसी भी शक्ति का भरोसा नहीं है। अलवार संतों के ये भाव थे जिनसे भक्ति भावना के अस्तित्व में उनके विश्वास में कोई संचय नहीं रह जाता है। इन संतों ने भक्ति के विचार को घूम घूम कर जन सामान्य में लोकप्रिय बनाया। उनके नेतृत्व में भक्ति परंपरा ने एक जन आंदोलन का रूप धारण कर लिया। उन्होंने तमिल भाषा में भक्ति से ओतप्रोत गीतों की रचना की, जिनका संग्रह प्रबंधम नामक ग्रंथ में उपलब्ध है। भागवत पुराण की तरह ये ग्रंथ भी प्राचीन भक्ति परंपरा का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। आलवार वैष्णव संत एवं नयनार शैव संत संतों के विस्तृत आधार वाले चरित्र के कारण ये स्पष्ट हो गया है कि प्रेमपूर्ण भक्ति का उनका संदेश किसी वर्ग विशेष के लिए ही नहीं था, अपितु उसे सभी लोग ग्रहण कर सकते थे। भले ही उनकी जाति, परिवार अथवा लिंग जो भी हो, इस संदर्भ में इन संतों का समतावादी दृष्टिकोण प्रबल था। नयनारों एवं आलवारों ने स्थानीय मिथकों एवं गाथाओं को प्रयुक्त करते हुए आम जन में एक सरल एवं सहज धर्म का प्रचार प्रसार स्थानीय भाषा तमिल में किया। इन संतों को जनता से मिला सम्मान उनकी लोकप्रियता का स्वयं सिद्ध प्रमाण है। इनकी मूर्तियां आज भी दक्षिण भारत के मंदिरों में स्थापित है, जहां इनके पूजा होती है, और इनके रचे भक्ति गीत मंदिरों के प्रांगणों में आज भी गूंजते हैं। इस प्रकार इन संतों ने जनमानस पर अपना अमिट भावनात्मक प्रभाव छोड़ा। पृष्ठ 140।
बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म पर अपनी विजय के बाद दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन धीरे धीरे उन्मुक्त होने लगा एवं अपना समतावादी स्वरूप खोने लगा। संतों के प्रभाव के कारण शासकों की अभिवृत्तियों में भी परिवर्तन हुए। शासक स्वयं भी लोकप्रिय आंदोलनों से जुड़कर अपने पद को मजबूत एवं वैध व्यापक आधार प्रदान करना चाहते थे। विद्वान लेखक प्रोफेसर सतीश चंद्र की मान्यता है कि मंदिरों के उदय के कारण इनकी स्थिति और अधिक मजबूत हुई होगी, जिन्होंने समाज को स्थायित्व प्रदान करने एवं कृषि का विस्तार करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की और जहां तक कि व्यापार में भी भाग लिया। भूमि अनुदानों समेत शाही उपहारों के कारण मंदिरों की स्थिति मजबूत हुई एवं ब्राह्मणों ने शासकों की शक्तियों और स्थिति को वैधता प्रदान कर उन्हें मजबूत किया। दस दशमलव दो दशमलव दो शंकराचार्य। महान शंकराचार्य ने 8वीं-9वीं शताब्दी ईस्वी में दक्षिण भारत में वेदांत के ज्ञान का प्रवर्तन किया, किंतु उनके अद्वैत वेदांत में भक्ति एवं प्रेम का स्थान ना था। इससे दक्षिण भारत की भक्ति प्रिय जनता को निराशा हुई। इसका यह अर्थ कदापि नहीं है कि शंकराचार्य का भक्ति आंदोलन में कोई योगदान नहीं था। शंकराचार्य के अद्वैत वेदांत के ज्ञान मार्ग द्वारा मोक्ष के लक्ष्य ने सर्वत्र हलचल मचा दी, परंतु शंकर के अनुसार बिना ज्ञान के मोक्ष संभव नहीं थी। समाज में शंकर के ज्ञान ने जो मोक्ष की लालसा जागृत की, उसकी प्राप्ति के लिए वो उतावला हो गया। इन स्थितियों में भक्ति मार्ग ही समाज के बहुसंख्यक वर्ग की आकांक्षाओं को तुष्ट कर सकता था। फलतः समाज का मोक्ष प्राप्ति के प्रति वेग भक्ति से एकाकार परिणत हो गया। ये स्मरण रहे कि शंकराचार्य ने भी बौद्ध विचारों को ध्वस्त करने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म पर अपनी विजय के बाद दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन धीरे धीरे अपना उन्मुक्त एवं समतावादी चरित्र खोने लगा। यद्यपि संत अक्सर जातिगत प्रतिबंधों की उपेक्षा करते थे, किंतु जाति व्यवस्था या ब्राह्मणों की सर्वोच्चता को चुनौती नहीं देते थे। 10.2.3 रामानुज। भारतीय दार्शनिकों में शंकराचार्य के बाद रामानुजाचार्य का नाम अति महत्वपूर्ण है। शंकर ने धर्म के क्षेत्र में ज्ञान की धारा प्रवाहित की, तो रामानुज ने समाज की नब्ज को पहचानते हुए धर्म के क्षेत्र में नए परिवर्तनों के साथ भक्ति की धारा प्रवाहित की। 11वीं शताब्दी के इस संत ने शंकर के अद्वैत वेदांत का वैष्णव धर्म की भक्ति परंपरा से समन्वय किया। वेदांत सूत्र की ईश्वरवादी व्याख्या कर उन्होंने भक्ति का दर्शन तैयार किया। वेदांत में ईश्वर की नहीं ब्रह्मा की प्रतिष्ठा थी, जो न तो सृष्टि का सृजन करता है और न भक्तों की प्रार्थना पर ध्यान देता है। रामानुज ने वेदांत के इस ब्रह्मा के स्थान पर सगुण ईश्वर की प्रतिष्ठा की और उसे जगत का कर्ता, रक्षक तथा भक्तों पर अनुग्रह करने वाला बताया। उन्होंने शंकर के ज्ञान मार्ग की अपेक्षा भक्ति मार्ग को श्रेष्ठ सिद्ध किया। रामानुज ने शंकर के अद्वैत एवं माया के सिद्धांत का खंडन कर एक नया मत प्रतिपादित किया, जो विशिष्ट अद्वैत के नाम से जाना जाता है। इस मत के अनुसार ब्रह्मा, ईश्वर, जीव और जगत एक दूसरे से भिन्न है और सामान्य रूप से नित्य एवं सत्य है, परंतु भिन्न होने पर भी एक विलक्षण प्रकार का संबंध है, जो आत्मा एवं शरीर की तरह है। इस प्रकार रामानुज ने वेदांत के ब्रह्मा में ईश्वरत्व को आरोपित कर भक्ति का सैद्धांतिक निरूपण किया और भक्ति मार्ग के प्रसार का मार्ग प्रशस्त किया। पृष्ठ 141। शंकर की तरह रामानुज ये नहीं मानते कि मोक्ष की अवस्था में आत्मा का ब्रह्मा में विलय हो जाता है, अपितु वो ब्रह्मा के सदृश हो जाता है। इस तरह जीवात्मा ब्रह्मा में विलीन होता है, अपितु ब्रह्मा के समान अनुभव करने लगता है। रामानुज की दृष्टि में आत्मा अणु है, जबकि परमात्मा विभू है, और दोनों कभी एक नहीं हो सकते। वस्तुतः दोनों एक है, परंतु एक होकर भी एक नहीं है। रामानुज अपने युग के बहुत बड़े चिंतक और वैष्णवाचार्य थे। उनकी रचनाओं में तमिल ग्रंथ प्रबंधम के विचार पर आलवारों का गहरा प्रभाव स्पष्ट है। रामधारी सिंह दिनकर का ये कथन सर्वथा उपयुक्त है कि प्रपत्ति तो आलवारों की शरणागति को रामानुज द्वारा दिया गया परिभाषिक नाम है। आलवारों में भक्ति के जो लक्षण है थे, उन्हें अन्य भक्तों के लिए निर्दिष्ट करने को रामानुज में प्रपत्ति शब्द निकाला है। रामानुज ने भक्ति को आगे बढ़ाया। इस संदर्भ में दिनकर का दृष्टिकोण उल्लेखनीय है। जो कार्य गीता ने किया था, बहुत कुछ वही राम अनुजाचार्य ने किया, किंतु इस भेद के साथ कि जहां गीता में ज्ञान, भक्ति एवं कर्म में से किसी एक के साथ कोई अनुचित पक्षपात नहीं था, वह रामानुज ने तीनों में से भक्ति को खुलकर अप्रतिमा प्रधानता दे दी। इस प्रकार हम देखते हैं कि रामानुज के प्रयास से भक्ति एक सहज विचारधारा एवं एक प्रभावकारी मार्ग से बह निकली, जिससे सबके लिए मोक्ष का विचार संभव हुआ।
10.2.4 निम्बार्क। रामानुज ने विष्णु का प्रचार किया तो तेलंगाना के निम्बार्क ने कृष्ण भक्ति का। कालांतर में वो वृंदावन में बस गए। वे रामानुज के समकालीन थे। उनके अनुसार जीव एवं ईश्वर व्यवहार इसमें भिन्न है, किंतु सिद्धांत तथा अभिन्न है। इनका सिद्धांत द्वैत अद्वैत कहलाता है। निम्बार्क के अनुसार कृष्ण के प्रति प्रेमपूर्ण भक्ति और आत्मा समर्पण की भावना से मोक्ष की प्राप्ति संभव है। 10.2.5 मध्वाचार्य। कन्नड़ प्रदेश में जन्मे 12वीं सदी के मध्वाचार्य द्वैतवाद के समर्थक थे तथा विष्णु के उपासक थे। वे जीव व जगत को ब्रह्मा से पूर्ण पृथक मानते थे। उनके मत में भक्ति द्वारा भगवान का साक्षात्कार संभव है। वे साधना के लिए गुरु महिमा पर जोर देते थे। मध्वाचार्य में वाद विवाद करने की अद्भुत योग्यता थी। अपने विचारों की पुष्टि के लिए उन्होंने देश के विभिन्न भागों का भ्रमण किया और अनेक विद्वानों को शास्त्रार्थ में पराजित किया। इनकी भक्ति के रूपों में शांत, दास्य, मैत्री और वात्सल्य की महत्ता है। 10.3 उत्तर भारत के संत। 10.3.1 रामानंद। 13वीं-14वीं शताब्दी में प्रयाग के कानेकुब्ज ब्राह्मण परिवार में जन्मे संत रामानंद ने राम भक्ति को लोकप्रिय बनाने के श्रेय रामानंद को ही जाता है। इसकी पुष्टि इस तरह होती है, भक्ति द्रविड़ उपजी लाए रामानंद। रामानंद ने वैष्णव संप्रदाय और भक्ति आंदोलन को तीन प्रकार से प्रभावित किया। एक, उन्होंने राम की भक्ति पर जोर दिया। रामानंद ने बैकुंठवासी विष्णु के स्थान पर मानव शरीर धारी और राक्षसों का संहार करने वाले भगवान राम की प्रतिष्ठा की। उस काम में हिंदू समाज को ऐसे धर्म की आवश्यकता थी जो वीरता को उभार सके और त्याग और बलिदान की प्रेरणा दे सके। ऐसा धर्म राम के लोक रक्षक के रूप को लेकर खड़ा करना बेहतर था। भगवान राम विष्णु के अवतार के रूप में पहले ही माने हो चुके थे, किंतु राम की भक्ति और उपासना का व्यापक प्रचार रामानंद ने ही किया। उन्होंने ईश्वर के सगुण एवं निर्गुण दोनों रूपों का समर्थन किया। दो, उन्होंने हिंदी में अपने उपदेश लोगों तक पहुंचाए। इस क्षेत्र में उनसे पूर्व के संतों रामानुज, निम्बार्क, मध्वाचार्य आदि ने संस्कृत भाषा का प्रयोग किया था, इसीलिए उनके विचार संस्कृत जानने समझने वाले एक वर्ग तक ही सीमित रहे। लेकिन रामानंद ने जनभाषा का प्रयोग करके अपनी वाणी को जन साधारण तक पहुंचाया। तीन, उन्हें निम्नतम जाति के लोगों को भी भक्ति के द्वारा मोक्ष प्राप्त करने का अधिकारी माना। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ईश्वर की दृष्टि में सभी बराबर हैं। उन्होंने नीच समझी जाने वाली जाति के लोगों को भी बिना भेदभाव के अपनी शिष्य मंडली में शामिल किया। उन्होंने घोषणा की, जात पात पूछे ना कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। ये नारा आगे चलकर भक्ति आंदोलन का प्रमुख नारा बना। इनके शिष्यों में कई निम्न जाति के लोग थे। इनमें रविदासी मोची, कबीर बुनकर, सेन नाई एवं साधना कसाई था। इनके ब्राह्मण शिष्यों में भवानंद, सुखानंद, आशानंद, सुरानंद, परमानंद आदि थे। पद्मावती और सुरसुरी उनकी प्रमुख शिष्याएं थी और गंगा नामक एक वैश्य ने भी उनसे दीक्षा ली। इस प्रकार रामानंद ने जाति, वर्ग एवं लिंग भेद से रहित तथा समानता और बंधुत्व पर आधारित नई सामाजिक व्यवस्था का सूत्रपात किया। उन्होंने पहले से चली आ रही कोई बड़ी परंपरा को तोड़े बिना सामाजिक समानता को स्थापित करने का प्रयास किया। इसीलिए यह कहा जाता है कि मध्ययुगीन भक्ति आंदोलन रामानंद से ही प्रारंभ होता है। पृष्ठ 142। 10.3.2 वल्लभाचार्य। 15वीं शताब्दी के तेलंगाना निवासी वल्लभाचार्य ने युवावस्था में वृंदावन एवं बनारस को अपना स्थायी निवास बनाया। वे वैष्णव संप्रदाय की कृष्ण भक्ति शाखा के महान संत थे। वे गृहस्थ जीवन को आध्यात्मिक जीवन में बाधक नहीं मानते थे। उनके अनुसार परम ब्रह्मा को हार्दिक भक्ति से ही प्राप्त किया जा सकता है, परंतु इस भक्ति में ईश्वर के प्रति ऐसा प्रेम और लगाव होना चाहिए कि भक्त स्वयं को विस्मृत कर दे। वल्लभ ने पुष्टि मार्ग का प्रतिपादन किया और ब्रह्मसूत्र, श्रीमद् भागवत और गीता को पुष्टि मार्ग का प्रमुख साहित्य घोषित किया। उन्होंने प्रेम लक्षणा भक्ति पर विशेष बल दिया। उन्होंने शंकर के मायावाद का विरोध करके ये सिद्ध कर दिया कि जीव उतना ही सत्य है जितना कि ब्रह्मा, फिर भी वो ब्रह्मा का अंश और सेवक ही है। वल्लभ के अनुयायी को में अष्टछाप के कवि हुए जिन्होंने कृष्ण भक्ति का अपनी रचनाओं के माध्यम से सर्वसाधारण में प्रचार किया। 10.3.3 चैतन्य। उत्तर भारत में जिस समय सूरदास भक्ति भाव में तन्मय होकर श्रीकृष्ण की लीलाओं का गुणगान करने में तल्लीन थे, पूर्व में बंगाल के भक्त शिरोमणि चैतन्य महाप्रभु अपने रस माधुर्य से जनता को भाव विभोर किए हुए थे। नदिया अब बांग्लादेश में है।
में जन्मे इस संत ने परमात्मा पर, जिसे वे कृष्ण या हरि के नाम से पुकारते थे, पूर्ण आस्था रखने का उपदेश दिया। कहा जाता है कि वेदों एवं उपनिषदों के अध्ययन से भी जब चैतन्य की जिज्ञासा शांत नहीं हुई तो उन्होंने इन ग्रंथों को समुद्र में फेंक दिया था। उनका कहना था, अगर कोई जीव कृष्ण पर श्रद्धा रखता है और अपने गुरु की सेवा करता है तो वो मायाजात से मुक्त होकर कृष्ण के चरणों को प्राप्त होता है। उनका मानना था कि श्रद्धा, भक्ति, कीर्तन तथा नृत्य के द्वारा ऐसी भाव से श्लेषमयी स्थिति उत्पन्न की जा सकती है। उनकी स्पष्ट मान्यता थी कि ईश्वर के नाम की रट लगाए रहने से बाह्य जगत लुप्त हो जाता है। कहा जाता है कि उन्होंने समूचे भारत का भ्रमण किया। वृंदावन में जाकर उन्होंने कृष्ण पंथ को पुनः प्रारंभ किया, किंतु उन्होंने अपना अधिकांश समय गया में बिताया। जनमानस पर, खासकर भारत के पूर्वी भागों में, उनका काफी प्रभाव पड़ा था और बहुत सारे लोग उनके अनुयायी बन गए थे। इनके अनुयायियों में कुछ मुसलमान एवं निम्न जातियों के लोग भी थे। अपने अनुयायियों पर चैतन्य का प्रभाव इतना गहरा था कि वे उन्हें कृष्ण का ही रूप मानने लगे थे। उन्होंने जो उपदेश दिए वे सीधे जनता के हृदय में उतर गए। डॉक्टर आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव के शब्दों में, पीड़ित मानवता को उनका परमात्मा के प्रति प्रेम का संदेश मरहम सा लगा और उसने सिद्ध कर दिया कि मानव हृदय राजनीतिक एवं सामाजिक विषमताओं के बीच भी ऊंचा उठ सकता है। चैतन्य महाप्रभु ने जीवन को स्फूर्ति, साहित्य को रचनात्मक शक्ति और मानव संबंधों को पवित्रता प्रदान की। पृष्ठ 143। संकीर्तन को लोकप्रिय बनाने में उनकी भूमिका प्रमुख रही। इसमें व्यक्ति सामूहिक रूप से मिलकर गाते बजाते हुए कृष्ण का नाम लेते हुए संगीत की लय के साथ भजन गाते थे। एक बार भक्ति के उन्माद में चैतन्य इतने निमग्न हो गए कि अपना बाह्य अस्तित्व भी खो बैठे और दौड़कर समुद्र में घुस गए। इस तरह सचमुच में अपने बाह्य शरीर का त्याग कर दिया। उस समय वे केवल 48 वर्ष के थे। 10.3.4 नामदेव। महाराष्ट्र के संतों में नामदेव का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। वही दर्जी परिवार में जन्मे थे। पंढरपुर को अपनी कर्मस्थली बनाते हुए उन्होंने जनसाधारण को प्रेम एवं भक्ति का पवित्र उपदेश दिया और उनके मस्तिष्क परंपरागत रीति रिवाज और जाति पाति के बंधनों का प्रभाव हटाने का प्रयास किया। उनके शिष्यों में सभी जातियों एवं वर्गों के लोग थे। नामदेव एकेश्वरवादी थे और मूर्ति पूजा एवं पुरोहितों के नियंत्रण के विरुद्ध थे। नामदेव की भक्ति में निर्गुण एवं सगुण दोनों का समन्वय है। एक ओर तो हठ योग की कुंडलिनी योग साधना और दूसरी ओर प्रेम भक्ति की विह्वलता विद्यमान है। महाराष्ट्र से लेकर पंजाब सहित समस्त उत्तर भारत में नामदेव ने अपने आराध्य विट्ठल की महिमा में कीर्तन का व्यापक प्रचार प्रसार किया। उन्होंने धर्म के क्षेत्र में व्याप्त असमानता को मिटाने की अपील की। हिंदू अंधा तुर्को काना, देवो तो ज्ञानी सयाना, हिंदू पूजे देहरा, मुसलमान मसीद नामा, सोई सेविया जह देहरा ना मसीद। 10.3.5 रैदास। रामानंद के शिष्यों में रैदास जाति से चमार थे और जूते बनाकर अपनी जीविका चलाते थे। उनका जन्म वाराणसी में हुआ था और वो आरंभ से ही सीधे साधे एवं धार्मिक वृत्ति के थे। उनके गीतों में नम्रता और ईश्वर इच्छा के समक्ष आत्मसमर्पण का स्वर झनकृत है। कबीर की ही भांति उन्होंने भी हिंदू मुसलमानों के बीच सामंजस्य स्थापित करने का अध्यवसाय किया। उन्होंने अपने अनुयायियों को बाह्य कर्मकांड, तीर्थयात्रा, व्रत, उपवास, मुंडन, भोग आदि की निस्सारता का उपदेश दिया। श्री हरि चरणों का अनन्य आश्रय ही उनकी साधना का प्राण है। उनके प्रभाव के कारण निम्न जातियों के लोगों में भक्ति की अविरल धारा वो चली और अब हिंदू धर्म में आकर्षण दिखाई देने लगा। पृष्ठ 144। 10.3.6 कबीर। संत कबीर रामानंद की परंपरा के स्तंभ थे। जाति से जुलाहे कबीर निरक्षर थे, परंतु वे अपने युग के अगवा सिद्ध हुए। प्रेम का 2.5 अक्षर पढ़कर कबीर पंडित हो गए। 2.5 आखर प्रेम को पढ़े सो पंडित हुए। संभवतः वो एक हिंदू के रूप में पैदा हुए और एक मुस्लिम परिवार में उनकी परवरिश हुई। कबीर का भक्ति एवं भक्ति आंदोलन के इतिहास में ऊंचा स्थान है। कबीर के जीवन का बड़ा हिस्सा काशी में बीता। इनके उपदेशों का लक्ष्य मध्यकालीन उत्तरी भारत की विभिन्न जातियों और धार्मिक समुदायों के बीच सामंजस्य एवं मेल मिलाप का रास्ता ढूंढना और जाति प्रथा एवं विभिन्न संप्रदायों में व्याप्त घोर अंधविश्वासों या स्वार्थगत भेदों पर आधारित मतभेदों एवं विरोधों को समाप्त करना था। कबीर ने भक्ति आंदोलन को एक नया मोड़ दिया। कबीर ने गृह त्याग किए बिना ही आध्यात्मिक जीवन की ऊंचाइयों को प्राप्त किया। उन्होंने लोगों को धर्म का वास्तविक स्वरूप समझाया। उनके उपदेशों के दो मुख्य लक्ष्य थे, एक धर्म को बाह्य आडंबरों से मुक्त करना ताकि धर्म का मर्म आम जन के समझ में आ सके,
और वो गरीब की कुटिया में दिखाई दे सके। 2. हिंदुओं और मुसलमानों के बीच में सद्भावना एवं सामंजस्य का वातावरण बनाना ताकि अकबर युगीन विचारधारा का विकास हो सके। सत्य अन्वेषी लोगों के लिए कबीर का आह्वान था कि वे बाह्य आडंबरों का त्याग करें तथा धर्म के स्थूल स्वरूप के स्थान पर इसके आंतरिक स्वरूप को समझें और उसे हृदयंगम करें। कबीर ने बाह्य साधना के स्थान पर आंतरिक साधना पर बल दिया। इस निर्भीक संत ने यज्ञ, व्रत, धार्मिक यात्रा, माला जपना, तिलक लगाना, मुंडन करना, रमजान के उपवास, मकबरों एवं कब्रों की पूजा, मूर्ति पूजा आदि अंधविश्वासों का घोर विरोध किया। उनकी दृष्टि में धर्म के बाह्य आडंबरों की अपेक्षा ईश्वर के प्रति प्रेम, शुद्ध विचार व आचरण, सब जीवों के प्रति प्रेम और भ्रातृत्व का व्यवहार अधिक महत्वपूर्ण था। ईश्वर के एकत्व में अपने विश्वास के कारण कबीर ने यह निष्कर्ष निकाला कि सभी धर्म एक ही गंतव्य पर जाने के भिन्न भिन्न मार्ग मात्र हैं। अतः उन्होंने हिंदुओं एवं मुसलमानों के बीच के अंतर को निरर्थक माना। उन्होंने पंडितों तथा मुल्ला मौलवियों के ढोंग, पाखंडों एवं अंधविश्वासों पर तीखा व्यंग प्रहार किया। उन्होंने धर्म के मौलिक रूप पर बल दिया। न जाने तेरा साहिब कैसा है, मस्जिद भीतर मुल्ला पुकारे, क्या साहब तेरा बहरा है, चीटी के पग नेवर बाजे, सो भी साहब सुनता है, सांच कहो तो मारन धावे, जूठे जग पहचाना, आतम मारी पला नहीं पूजे, उनमें कुछ ना जाना, बहुत देखे पीर औलिया, पढ़े किताब कुराना, कहा हिंदू मोही राम प्यारा, तुरक कहे रहमाना, आपस में दो लरी लरी मुए, मरम काहू नहीं जाना। हिंदुओं की मूर्ति पूजा का उपहार करते हुए उन्होंने कहा, पाहन पूजे हरी मिले तो मैं पूजू पहार, ताते या चाकी भली पीस खाए संसार। इसी प्रकार कबीर ने मुसलमानों के ढोंग तथा आडंबरों की भी निंदा की। कांकर पाथर जोरी के मस्जिद लई चुनाए, ता चढ़ी मुल्ला बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदाए। पृष्ठ 145। कबीर निर्गुण भक्ति के समर्थक थे। अपने गुरु रामानंद से कबीर ने राम नाम को जरूर ग्रहण किया, परंतु उन्होंने राम संबंधी अवधारणा बदल डाली। उनका राम ना तो दशरथ पुत्र राम था और ना विष्णु का अवतार। वो अजन्मा, अविनाशी और अमर ब्रह्मा था, जिसे हिंदू राम के नाम से और मुसलमान रहीम के नाम से पुकारते थे और जिसे कबीर ने साहब कहा। कबीर सदैव ही सम्मान के पात्र रहे। उन्होंने ऊंच नीच, ब्राह्मण शूद्र और धनी निर्धन के आपसी भेदभावों को त्याज्य घोषित किया। उनकी दृष्टि में जब ये सभी बर्तन एक ही मिट्टी के बने हैं और उनको बनाने वाला भी एक है, तब पारस्परिक भेदभाव की विषमता क्यों? रामधारी सिंह ने ठीक ही लिखा है, कबीर भारत के अत्यंत महान क्रांतिकारी पुरुष हुए। संस्कृति का जो नेतृत्व ब्राह्मणों के हाथ में था, उसे उन्होंने निम्न वर्ग के हाथों में पहुंचा दिया। डॉक्टर यूसुफ हुसैन ने अपना मंतव्य प्रकट करते हुए लिखा है, उत्तरी भारत के विभिन्न वर्ग और धार्मिक समुदायों के मतभेदों का मात्र उपाय द्वारा अंत करना कबीर का प्रमुख उद्देश्य था। गोविंद त्रिगुणायत ने लिखा है, कबीर ने सामाजिक क्षेत्र में साम्यवाद की प्रतिष्ठा की। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी कबीर के व्यक्तित्व की भूरी भूरी प्रशंसा की और उन्हें मिलन बिंदु पर खड़ा बताया है। भारतीय संतों की परंपरा में उनका व्यक्तित्व सर्वथा विलक्षण और उनकी वाणी निरालेपन का भाव संजोए हुए है। वे सार्वभौम विचारों के उदारमना महापुरुष थे। उन्होंने एक समेकित भारतीय समाज की कल्पना की और लाखों लोगों का विश्वास प्राप्त किया। उनके क्रांतिकारी और सामाजिक महत्व के दोहे व कहावतें देश भर में जन चेतना में रचे बसे हैं और मध्यकालीन भारतीय सांस्कृतिक विरासत का एक भाग बन गई है। 10.3.7 नानक। बचपन से ही शिक्षा के प्रति उदासीन नानक अंतः स्फूर्त ज्ञान से ओतप्रोत थे। कबीर के बाद नानक ही मध्ययुगीन समाज को प्रभावित करने वाले सर्वाधिक महत्वपूर्ण संत थे। निर्गुण मार्गी संतों में नानक भद्र एवं शांत थे। उनमें कबीर की खंडन मंडन की वृत्ति एवं अक्खड़पन नहीं है। उन्हें समाज के दोषों की शिष्ट एवं समयक भाषा में आलोचना की है। कबीर की तरह नानक ने भी ईश्वर के एकत्व पर बल दिया है, जिसका नाम जप कर और अगाध भक्ति रखकर व्यक्ति मोक्ष प्राप्त कर सकता है, चाहे उसकी जाति, धर्म या संप्रदाय कुछ भी हो। किंतु नानक ने ईश्वर के पास पहुंचने की पहली शर्त के रूप में चरित्र एवं आचरण की शुद्धता एवं मार्गदर्शन हेतु गुरु की आवश्यकता पर जोर दिया है। उनके उपदेशों में नैतिकता, नम्रता, सत्य, दान और दया को प्रमुख स्थान प्राप्त था। सिखों के पवित्र ग्रंथ आदि ग्रंथ साहिब में उच्च नैतिक आचरण पर बल स्पष्ट झलकता है। गुरु नानक ने अपने अनुयायियों से कहा कि वे नम्र बने, मिथ्या अभिमान छोड़ें, ईमानदारी बरतें और बुरी भावनाओं को नियंत्रित करें।
कबीर की भांति उन्होंने भी मूर्ति पूजा, तीर्थाटनों एवं विभिन्न धर्मों के औपचारिक आडंबरों की कड़ी भर्त्सना की। प्रोफेसर सतीश चंद्र ने लिखा है, उन्होंने एक मध्य मार्ग की वकालत की जिससे आधी आध्यात्मिक जीवन को गृहस्थ के कर्तव्य के साथ मिलाया जा सकता है। प्रश्न 146। कबीर की भांति नानक का भी मानना था कि धर्म के बाह्य आडंबरों का मंडन और उपचार निरर्थक है और इन्हीं आडंबरों के कारण लोगों के बीच भेदभाव पैदा होता है और वे गुमराह होते हैं। हिंदू और मुसलमान दोनों की इन बाह्य आडंबरों में फंसकर इधर उधर भटक रहे हैं। उनका उपदेश था कि मनुष्य मात्र की भलाई करो, मनुष्य मात्र से प्रेम करो तथा प्रत्येक प्राणी से भ्रातृभाव से स्नेह करो। उन्होंने हिंदू और मुसलमान दोनों ही धर्मों के बाह्य आडंबरों का खंडन किया और दोनों के बीच एकता पर बल दिया। उन्होंने कहा, बंदे इक्के खुदाई के हिंदू मुसलमान, दावा राम रसूल के लड़ दे बेईमान। नानक ने मुसलमानों से कहा, दया को अपनी मस्जिद मानो, भलाई एवं निष्कपटता को अपनी नमाज का बिछौना, जो कुछ भी उचित एवं न्यायसंगत है वही तुम्हारी कुरान है। नम्रता को अपनी सुन्नत मान ले, शिष्टाचार को अपना रोजा मान ले और इस प्रकार तू मुसलमान बन जाएगा। उन्होंने पांचों नमाजों की व्याख्या करते हुए कहा, पहली नमाज सच्चाई है, दूसरी इंसाफ है, तीसरी दया है, चौथी नेक नियति है और पांचवी भगवान का स्तवन है। नानक ने हिंदुओं से भी कहा, मैंने चारों वेद पढ़े हैं, 68 तीर्थों पर स्थान किया है, वनों और जंगलों में निवास किया है और संतों ऊपरी और निचली दुनियाओं का ध्यान किया है और मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि मनुष्य चार कर्मों द्वारा मुक्ति प्राप्त कर सकता है, भगवान से भय, उचित कर्म, ईश्वर और उसकी करुणा में विश्वास और एक गुरु में विश्वास जो उचित मार्गदर्शन कर सके। इस प्रकार नानक एक स्वस्थ एवं समतावादी समाज के निर्माण के लिए प्रयत्नशील रहे। नानक कोई नवीन धर्म अथवा संप्रदाय के प्रवर्तक नहीं थे। उनके जीवन काल में, जैसा कि डॉ. राधाकृष्णन लिखते हैं कि उनके जीवन काल में सिख धर्म का कोई अस्तित्व नहीं था। उनके अनुयायियों तथा शिष्यों को अवश्य सिख कहा जाता था, यानी सिख शब्द शिष्य का अपभ्रंश है। ईस्वी में उनकी मृत्यु के बाद सिखों के गुरुओं ने, विशेष रूप से गुरु अर्जुन देव ने, इसे एक धर्म का रूप प्रदान किया। कनिंगम लिखते हैं, नानक ने सुधार के सच्चे सिद्धांतों का बड़ी सूक्ष्मता के साथ साक्षात्कार किया और ऐसे व्यापक आधार पर धर्म की नींव रखी जिसके द्वारा गुरु गोविंद सिंह ने अपने देशवासियों में एक नवीन राष्ट्रीयता की भावना को जन्म दिया। उत्तम सिद्धांतों को ऐसा व्यवहारिक रूप दिया कि उनके धर्म में छोटी बड़ी जातियों को जीवन के सभी क्षेत्रों में समान मर्यादा प्राप्त हुई। नानक का सार्वभौम में उदार दृष्टिकोण ने शांति, सद्भावना एवं पारस्परिक मेलजोल का वातावरण तैयार करने के लिए हिंदुओं और मुसलमानों के बीच अंतर मिटाने का लक्ष्य अवश्य प्रयास किया। नानक ने एक आदर्श राज्य की भी परिकल्पना की जिसकी बागडोर एक दार्शनिक राजा के हाथों में हो, जो नैतिकता, न्याय एवं समानता की राह पर चलने वाला हो। 10.3.8 दादू। कबीर के शिष्यों की उत्तरवर्ती पीढ़ी में सबसे प्रसिद्ध संत दादू दयाल थे। अहमदाबाद में जन्मे दादू का अधिकांश समय राजपुताना में ही व्यतीत हुआ। दादू के संदेश में दया, नम्रता एवं क्षमा स्पष्टतः दृष्टिगोचर होती है। दादू का संदेश हिंदू धर्म या इस्लाम के धार्मिक पूर्वाग्रहों से सर्वथा मुक्त है। उन्होंने सभी धर्मों की आधारभूत एकता एवं भाईचारे पर बल दिया। अपने महान गुरु कबीर की भांति दादू भी हिंदू मुस्लिम एकता के प्रबल पक्षधर थे और ईश्वर, धर्म, कर्मकांड एवं धार्मिक औपचारिकताओं, मूर्ति पूजा, जातियों, महंतों, पंडों, अवतारवाद, तीर्थयात्रा आदि के बारे में भी उनके विचार कबीर के जैसे ही थे। उन्होंने जो पंथ चलाया वो दादू पंथ के नाम से प्रसिद्ध है। उनकी मृत्यु के बाद उनके शिष्यों गरीबदास एवं माधुदास ने उनके उपदेशों का प्रचार प्रसार का महती प्रयास किया। पृष्ठ 147। 10.3.9 मीरा। राजस्थान में सगुण भक्ति रस की अविरल धारा प्रवाहित करने वाले संतों में मीरा का नाम सर्व प्रमुख है। मेड़ता में जन्मी मीरा का वैवाहिक जीवन मेवाड़ में व्यतीत हुआ, परंतु सुहाग का सुख 7 वर्ष ही मिल पाया। मीरा को इस दुखद घटना से इतना भारी आघात लगा कि उनका मन संसार से विरक्त हो गया और वो अपना अधिकांश समय सत्संग और भजन कीर्तन में व्यतीत करने लगे।
मीरा को साहित्य में भी कृष्ण की दीवानी के रूप में चित्रित किया गया है। कृष्ण भक्ति के प्रति उसका अनुराग बाल्यकाल से ही था। मीरा ने कृष्ण भक्ति में अपना सर्वस्व अपूर्ण कर दिया था। मीरा के काव्य में सांसारिक बंधनों का त्याग कर ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण का भाव मिलता है। मीरा ने कृष्ण को परमात्मा माना। उसकी भक्ति में कहीं भी आडंबर दिखाई नहीं देता। उसकी भक्ति की सबसे बड़ी विशेषता है भावना और श्रद्धा। मीरा की भक्ति एक माधुर्य भाव की भक्ति थी। वो किसी संप्रदाय विशेष में बंधी नहीं और उसके मंदिर के द्वार सबके लिए खुले थे। मीरा की आध्यात्मिक यात्रा 3 सोपानों से गुजरती दिखाई देती है। पहला सोपान प्रारंभ में उसका कृष्ण दर्शन के लिए उत्कंठित होना है और वो व्यग्र हो गया उठती है। मैं विरहिणी बैठी जागूं जग सोवे री आली, और कृष्ण मिलन की तड़प में बोल उठती है, दरस बिड़ दुखड़ लागे नैण। दूसरा सोपान वो है जब उसे कृष्ण भक्ति में उपलब्धियों की प्राप्ति हो जाती है और वो कहती है, पायो जी महाने राम रतन धन पायो। तीसरा और अंतिम सोपान वो है जब कृष्ण मिलन के कारण आत्मबोध हो जाता है और तब वो गाती है, महरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। ये मीरा की भक्ति का चरमोत्कर्ष है, जब मीरा का प्रियतम कृष्ण से एकाकार हो जाता है। 16वीं शताब्दी के कृष्ण भक्तों में निसंदेह मीरा का स्वर काफी ऊंचा एवं विशिष्ट था। मीरा के पदों में हृदय की तीव्र अनुभूति, गहरी पीड़ा एवं संगीतमय भाषा की अभिव्यक्ति हुई है। मीरा के गेय पद्य सीधे हृदय पर प्रभाव डालते हैं, जिससे जनमानस की भक्ति को एक नई दिशा मिली। मीरा के गीत साहित्य की दृष्टि से चाहे उत्कृष्ट ना हो, पर उनका भाव पक्ष अत्यंत पुष्ट है। कवियत्री महादेवी वर्मा के अनुसार मीरा के पद विश्व के भक्ति साहित्य के रत्न हैं। मीरा के द्वारा कृष्ण भक्ति की माधुर्य भावना का व्यापक प्रचार प्रसार हुआ। 10.3.10 तुलसीदास। भक्त कवि तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखकर राम की भक्ति को आम लोगों के बीच लोकप्रिय बनाया। आज भी रामचरितमानस भारतीय जनचेतना में रचा बसा है। तुलसीदास की राम के प्रति अनन्य भक्ति बेमिसाल है। रामकथा को वाल्मीकि के बाद अनेक विद्वानों ने अपने अपने युग में विभिन्न रूपों में जनता के समक्ष रखा, परंतु तुलसीदास ने सेवक स्वामी भाषे में राम भक्ति एक ऐसी धारा प्रवाहित की जो आज भी अविरल प्रभावमान है। राम भक्त महाकवि तुलसीदास ने शूद्रों एवं ब्राह्मणों में भी समन्वय का प्रयास किया। वस्तुतः उन्होंने रामचरितमानस के द्वारा समाज में व्याप्त जड़ता को तोड़ने का प्रयास किया और सदियों से व्याप्त जाति मतभेद भावों को मिटाने एवं समाज के सम्मुख आदर्श रखने का प्रयास किया। इस रूप में तुलसीदास न केवल एक भक्त कवि थे, वरन एक समाज सुधारक भी थे। उन्होंने अपनी रचनाओं में गुरु भक्ति, नारी के श्रद्धा, भ्रातृ स्नेह, शासक के कर्तव्य आदि पर अधिक बल दिया है। तुलसीदास ने निर्गुण एवं सगुण में समन्वय का प्रयास करते हुए लिखा है, सगुनाही अगुनाही नहीं कुछ भेदा। उनका कहना है कि जैसे जल और तरंग को अलग नहीं किया जा सकता, वैसे ही सगुण और निर्गुण भी अलग नहीं है। तुलसी जाति के क्षेत्र में भी उदार थे। उनके भगवान श्री राम शबरी, शूद्र, निषाद एवं केवल जैसे निम्न जातियों के लोगों से मिलते हैं, तो अहिल्या ब्राह्मण का भी उद्धार करते हैं। यहाँ तक कि प्रेम एवं भक्ति से खिलाए गए शबरी के झूठे बेर भी वे प्रेम से खाते हैं। उन्होंने समाज में व्याप्त नैतिक पतन को दूर करने के लिए राम को एक मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में प्रतिष्ठित किया और जीवन को उन्हीं के स्थापित आदर्शों के अनुसार व्यतीत करने का उपदेश दिया। तुलसी वस्तुतः समन्वयवादी थे। पृष्ठ 148। उन्होंने शास्त्र और लोक, वैराग्य और गृहस्थ, भक्ति और ज्ञान, भाषा और संस्कृति का समन्वय अपनी कृति रामचरितमानस में किया है। उन्होंने अपनी रचनाओं के द्वारा मध्यकालीन सामाजिक जीवन में व्याप्त बुराइयों को सुधारने का भागीरथ प्रयत्न किया। तुलसी के राम वास्तव में प्रेम, भक्ति, निष्ठा और करुणा के सागर हैं। तुलसी के कृतित्व का भारतीय समाज पर सदियों के अंतराल के बाद भी व्यापक प्रभाव उल्लेखनीय है। इतिहासकार स्मिथ ने उनके बारे में लिखा है कि अकबर की विजय वास्तव में क्षणिक भी थी, परंतु तुलसीदास की काव्य संबंधी विजय सदैव के लिए थी, क्योंकि ये जनता के हृदय की विजय थे। 10.3.11 तुकाराम। महाराष्ट्र के संत तुकाराम जन्म से शूद्र थे। उन्होंने किशोर अवस्था में ही संन्यास ग्रहण कर लिया था तथा अपना जीवन धर्म परायणता और सेवा में लगा दिया था। जनता में इनको व्यापक समर्थन प्राप्त था। तुकाराम के शिष्य स्वामी रामदास शिवाजी के श्रद्धेय शिक्षक थे, जिन्होंने 17वीं शताब्दी में मराठों की उभरती शक्ति को नैतिक एवं आध्यात्मिक पृष्ठभूमि प्रदान की। उन्होंने मराठों में मुगलों के विरुद्ध भाव जागृत किए तथा उनमें स्वतंत्रता एवं उपस्वदेश की भावना का संचार किया।
तुकाराम अपने अत्यधिक धार्मिक और पवित्र जीवन से जनता के बीच लोकप्रिय हो गए थे। इससे ब्राह्मण उनके दिनों दिन बढ़ते प्रभाव एवं यश से जलने लगे थे और उन्हें तरह तरह से सताने लगे थे, परंतु उनके अनुयायियों एवं समर्थकों की संख्या में भी तेजी से वृद्धि हुई। ईश्वर के बारे में उनकी धारणा बहुत कुछ कबीर के समान ही थी। उनका कहना था कि ईश्वर का न कोई स्वरूप है और न कोई नाम है। तुकाराम के उपदेश अभंगों महाराष्ट्री पदों में है, जिनकी संख्या 8,000 तक है। तुकाराम ने अर्थहीन समारोह, बलिदानों, धार्मिक यात्राओं, मूर्ति पूजा, उपवासों, सामाजिक विषमताओं आदि की आलोचना की। साथ ही कबीर की भांति उन्होंने भी हिंदू धर्म और इस्लाम के बीच सुखद सामंजस्य स्थापित करने की चेष्टा की। इस प्रकार तुकाराम न केवल धर्म के समीहा और ज्ञान के अन्वेषक थे, अपितु अपनी जन्मभूमि के योग्यतक सपूत भी थे। 10.4 निष्कर्ष। इस प्रकार हम देखते हैं कि मध्यकालीन सामाजिक एवं धार्मिक जीवन के एक अत्यंत उल्लेखनीय पहलू के रूप में भक्ति संतों का भक्ति आंदोलन एक ऐसा जन आंदोलन था जिससे देश में एक नई चेतना का उदय हुआ। बौद्ध धर्म के उदय के पश्चात भारत में इतना व्यापक और लोकप्रिय कोई अन्य आंदोलन नहीं हुआ था। संतों द्वारा अनुप्राणित इस आंदोलन का मूल्य और महत्व इस बात में है किसने मनुष्य की हृदयगत भावनाओं को पहचानते हुए उनको जगाने का एक सफल प्रयास धार्मिक तथा नैतिक आधारों पर किया। इन्हीं आधारों ने इसे शक्ति प्रदान की और इसे घर घर पहुंचाने में सफलता प्राप्त की। यह हिंदुस्तानियों द्वारा किया गया वो प्रयत्न कहा जा सकता है जिसके द्वारा उसने अंधविश्वासों से जकड़ी हुई भारत की जनता को जगाने का प्रयत्न किया और हिंदुस्तानी अपनी गहरी नींद से अंगड़ाई लेकर उठ खड़े हुए और उसने भक्ति के प्रकाश द्वारा अपने को मुक्त अनुभव किया। एक तर्क ये भी दिया जाता है कि तुर्की शासन से पदाक्रांत एवं निराश हिंदू समाज को इस आंदोलन ने ईश्वर की भक्ति का दृढ़ अवलंबन दिया जिसके बल पर वो आक्रमणकारियों एवं जबरदस्ती से घुस आई ताकतों से अपनी रक्षा कर सके। इन संतों की वाणी से हिंदू धर्म के बाह्य आडंबरों एवं कर्मकांडों को बाहरी धक्का लगा। चाहे उनका अंत ना हुआ हो परंतु उनकी निस्सारता जग जाहिर हो गई। हिंदू धर्म के प्रचलित रूप में सुधार की सोच ने ही भक्त संतों को अग्रगामी एवं युगांतकारी बना दिया। लोगों के दृष्टिकोण को व्यापक बनाने में इनकी भूमिका के आगे कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकता। वासुदेव शरण अग्रवाल की दृष्टि में इन संतों के प्रयत्न भारतीय संस्कृति के पुनर्जागरण को चिन्हित करते हैं। पृष्ठ 149। अंत में हम इन संतों के भारतीय समाज एवं संस्कृति के क्षेत्र में योगदान को निम्न बिंदुओं में पुनरावृत्ति से बचने के लिए सारांश में इस प्रकार स्पष्ट कर सकते हैं। 10.4.1 नव सामाजिक संरचना के निर्माण का प्रयास। नव सामाजिक संरचना के निर्माण का प्रयास इन भक्त संतों का एक प्रबल पक्ष रहा। संतों की इस घोषणा ने कि भगवान की दृष्टि में सब बराबर है तथा नीची जाति में जन्म होना मोक्ष प्राप्ति के मार्ग में बाधक नहीं है, उनके जीवन में आशा का संचार किया तथा ब्राह्मणवादी सामाजिक व्यवस्था को चोट पहुंची। रामधारी सिंह दिनकर लिखते हैं कि कबीर नानक दादू जो कुछ बोल रहे थे वो विशाल जनता के हृदय की आवाज थी। ऊंची जाति वालों को जात पात पूछे ना ही कोई, हरि को भजे जो हरि को होई की शिक्षा नहीं रुचि, परंतु जो सच्चाई है उसे द्विज वर्ग भी काट नहीं सकता था। अतः वैष्णव व्यवस्थाकारों एवं उनके अनुयायियों ने भी जाति पाति की व्यर्थता को स्वीकार किया। रामानंद ने कबीर और रैदास को शिष्य बनाया और गोसाई विठल नाथ ने रसखान को शिक्षा दी। चैतन्य के शिष्य हरिदास अछूत थे, इसी प्रकार रामदेव के शिष्य चोखमेला भी अछूत थे। इन संतों ने लोगों को नई सामाजिक व्यवस्था के निर्माण के लिए जाति व्यवस्था के चंगुल से बचने का मार्ग दिखाया। रविदास कहते हैं, मेरी जाति निम्न, मेरा कर्म निम्न और मेरा व्यवसाय निम्न, इस निम्न स्थिति से ईश्वर ने मुझे उठाया है ऊपर, ऐसा कहते हैं रविदास चमाल। इस प्रकार जाति पाति का बंधन ढीला हुआ। इस युग के अधिकांश संत सामाजिक समानता के समर्थक सिद्ध हुए। 10.4.2 मानव मात्र की एकता पर बल। मध्यकालीन भक्त संतों ने मानव मात्र की एकता पर बल दिया। उनकी दृष्टि में राम और रहीम के में कोई भेद नहीं है। कबीर नानक दादू नामदेव और आदि संतों ने हिंदू मुस्लिम समन्वय की बात कही। संत कबीर ने हिंदू और मुसलमानों में एकता स्थापित करने के लिए कहा था, वही महादेव वही मोहम्मद, ब्रह्मा आदम कहिए को हिंदू को तुरक कहावे, एक जिमी पर रहिए,
किंतु हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित करने का उनका उद्देश्य पूर्ण ना हो सका। तथापि इन संतों की वाणी के फलस्वरूप दोनों धर्मावलंबियों के बीच द्वेष तथा घृणा कम हुई और दोनों संप्रदायों के बीच धार्मिक सहनशीलता की भावना का उदय हुआ। भक्ति आंदोलन ने धार्मिक सहिष्णुता की जो पृष्ठभूमि तैयार की, उसी पर आगे चलकर अकबर ने राष्ट्रीय शासन का ढांचा खड़ा किया। भक्ति आंदोलन की उदार शिक्षाओं का अकबर द्वारा शिकोह जैसे सुसंस्कृत मुसलमानों पर भी प्रभाव पड़ा। पृष्ठ 150। 10.4.3 मानवतावादी विचारों का पोषण। भक्ति आंदोलन के संत पक्के मानवतावादी थे। उनके विचारों में मानव मात्र के प्रति करुणा की गंगा बहती थी। उनकी मान्यता था कि मानव मात्र के प्रति सच्चा प्रेम ईश्वर के प्रति सच्ची भक्ति है। भक्त संतों का मानव सेवा में अटूट विश्वास था। उनकी दृष्टि में धर्म एवं जाति के बाह्य आडंबरों का त्याग कर मानव को बराबर मानकर उस सबकी सेवा करनी चाहिए। कबीर तीर्थों का विरोध करते हुए कहते हैं, मन ही मथुरा है, दिल ही द्वारका है, काया ही काशी है, शरीर के दशों द्वार पर ही देव मंदिर के द्वारा है, उसी में परम ज्योति को पहचानो। भक्त संत मानते थे कि मनुष्य मनुष्य में कोई भेद नहीं है और ईश्वर भी अलग अलग नहीं है, और ईश्वर से जो शुद्ध हृदय से प्रेम करता है उसे मोक्ष मिल जाती है। 10.4.4 सात्विक आचरण पर बल। भक्त संतों ने आचरण की पवित्रता जैसे सार्वभौमिक तत्व पर बल दिया। तन मन की पवित्रता को संत कवि रैदास इस प्रकार कहते हैं, मन रहे चंगा तो कटौती में गंगा। उल्लेखनीय है कि सभी संत संन्यास के पक्ष में नहीं थे। उनका विचार था कि गृहस्थ रहते हुए भी ईश्वर की प्राप्ति संभव है। नानक कबीर आदि संत गृहस्था थे, परंतु सभी संतों ने चरित्र की शुद्धता पर बहुत जोर दिया। उन्होंने निर्जीव पूजा पाठ के स्थान पर मन की पवित्रता को ऊंचा स्थान दिया। उन्होंने व्यवहार में शील को अधिक महत्व दिया। संतवाणी संग्रह में उल्लेखित है, सीलवंत सबसे बड़ा सर्व रतन की खान, तीन लोक की संपदा रही सील में आनी। कबीर ने कहा कि जो तो को कांटा बोबे ताही बोब तू फूल, तो ही फूल के फूल है वाको है त्रिशूल। सत्य ही बुरे के प्रति भी सद्व्यवहार करके न केवल उसे आत्ममंथन को विवश किया जा सकता है, बल्कि उसमें सकारात्मक परिवर्तन भी लाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त कबीर जैसे संतों ने अनावश्यक धन संग्रह अनुचित माना। उपयोग से अधिक संग्रह को वे पाप मानते थे। कहा भी है, साईं इतना दीजिए जामे कुटुम समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। इस प्रकार इन संतों ने शुद्ध आचरण एवं शील के द्वारा समाज को सन्मार्ग पर चलाने का प्रयास किया। 10.4.5 लोक भाषाओं का विकास एवं विस्तार। महात्मा बुद्ध की तरह भक्ति आंदोलन के संतों ने भी अपने उपदेशों को माध्यम आम बोलचाल की भाषाओं को ही बनाया। इससे न केवल संस्कृत का एकाधिकार समाप्त हुआ, बल्कि प्रादेशिक भाषाओं के विकास एवं विस्तार का मार्ग भी प्रशस्त हुआ। इन भक्त संतों के द्वारा लोक भाषाओं एवं लोक साहित्य को समृद्ध बनाने में किए योगदान को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। प्रकारांतर में इससे हिंदी भाषा एवं उसके साहित्य की भी त्रिवशी वृद्धि हुई। रामानंद कबीर, जायसी, तुलसीदास, दादु, सूरदास, रसखान और अष्टछाप के कवियों ने हिंदी भाषा में अपनी भक्ति रस से ओतप्रोत रचनाएं की। ब्रज अवधि तथा खड़ी बोली तीनों में ही साहित्य लिखा गया। महाप्रभु चैतन्य तथा चंडीदास ने बंगला भाषा एवं उसके साहित्य समृद्ध बनाया, तो विद्यापति ने मैथिली भाषा में नवजीवन का संचार किया। महाराष्ट्र के संत नामदेव, ज्ञानदेव, तुकाराम व रामदास के अभंगों ने मराठी भाषा के साहित्य को नवजीवन प्रदान किया। नानक की शिक्षाओं के कारण ही पंजाबी भाषा एवं गुरुमुखी लिपि का विकास संभव हुआ। राजस्थानी भाषा के भक्ति साहित्य का वास्तविक आरंभ मीरा के भक्तिमय पदों से हुआ। गांधी जी के प्रिय भक्त कवि नरसिंह मेहतो की कविताओं ने गुजराती के साहित्य को समुन्नत किया। पृष्ठ 151। 10.5 सारांश। भक्त संतों की वाणी ने भक्ति को लोकप्रिय बनाया तथा मध्ययुगीन विचारधारा को मोड़ देने का प्रयास किया। यद्यपि वे अपनी कोशिश में सफल नहीं हुए, कुछ संतों ने साझा मंच तैयार किया जिस पर विभिन्न संप्रदायों और धर्मों के लोग मिल सकते थे। इन संतों के प्रयासों से ही क्षेत्रीय भाषाओं में उच्च कोटि की रचनाएं लिखी गईं। इन संतों ने समाज एवं धर्म में व्याप्त रूढ़िवादी तत्वों को पहचाना
तथा लोगों के सामने उन्हें बेपर्दा किया तथा उदार एवं रूढ़िवादी प्रवृत्तियों के बीच संघर्षों को तीव्र किया। यद्यपि रूढ़िवादी ताकतें कमजोर ना हो सकी, परंतु लोगों ने सिक्के के दूसरे पहलू को भी देखा है। ये संत जाति व धर्म की सीमाओं एवं बंधनों से परे साबित हुए और इसी कारण इनको व्यापक समर्थन भी मिला। इन संत कवियों का दृष्टिकोण मानवतावादी थी। उन्होंने सर्वोच्च मानव भावनाओं, सभी रूपों में सुंदरता एवं प्रेम की भावनाओं पर बल दिया।